अगर आपने जो मेरे रेगुलरली ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि कुछ महीने पहले हमारे गाड़ी की चोरी हुई थी। तो कंदरौर के पास आए हम, यहाँ पे आपको देख रहा होगा बोर्ड भी लगा हुआ है, कंदरौर 1 किलोमीटर है। घास में अपने कुछ ऐसा मौसम है, पापा गए हैं सब्जी लाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस हमीरपुर को, वैसे तो फिलहाल अभी घास की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। ये जो व्लॉग है ये अभी मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और पहले जो यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी हमारी तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़, आपको इस तरफ आपको बादल भी दिख रहे होंगे वहाँ पे पहाड़ियों पे, और इस साइड तो अलग ही मौसम हुआ है और काले बादल फिर से आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कम से कम 20 मिनट हुए होंगे बारिश को थमे हुए, और फिर से अब बारिश आने वाली है क्योंकि बताई भी हुई है बहुत सारे जिलों में आज बहुत ज़्यादा बारिश बताई है, तो थोड़ी देर बाद फिर से लगने वाली है। और वहाँ पे देखिए व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइज ऐसा व्यू है आज का, तो ऐसा करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। मैंने और पापा जा रहे हैं पहले स्टफनी लेने के लिए, जो कि गाड़ी के टायर की होती है। अगर आपने जो मेरे रेगुलरली ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि कुछ महीने पहले हमारे गाड़ी की चोरी हुई थी, तो वहाँ से चोर स्टफनी लेके चले गए थे। तो कंदरौर के पास आए हम, यहाँ पे आपको देख रहा होगा बोर्ड भी लगा हुआ है, कंदरौर 1 किलोमीटर है, और गाड़ी लगाई हुई है हमने, यहाँ से लेनी है हमने स्टफनी अगर मिल जाए तो। देखते हैं अभी, पूछते हैं कि क्या सीन्स है, मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। हम आ चुके हैं स्टफनी वगैरह लेके, हम इसकी कॉस्ट पड़ी 800 रुपीज़, और फिलहाल यहाँ पे घाघस में अपने कुछ ऐसा मौसम है, पापा गए हैं सब्जी लाने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो हमारी घाघस की मार्केट है ये, और ये घाघस का ब्रिज आप को दिख रहा होगा, और ये रही कुछ फीलिंग इस प्रकार से। तो चलिए अब घर चलते हैं, और घर पे करता हूँ मैं बात में आपसे। The next day. दोस्तों सुबह की ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो पिछले डे गए थे मैं और पापा गए थे स्टफनी लाने के लिए, फिर उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादा, मैं क्या अगले दिन से शूट करते हैं। और मौसम देखो आप, आसमान देखिए ऊपर, बादल भी हैं बट जो मिक्सिंग हुई है ना बादलों की, नीले और काले बादलों की, बड़ी सही लग रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस हमीरपुर को, वैसे तो फिलहाल अभी घाघस की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि घाघस से मिलेगी मेरे को डायरेक्ट बस हमीरपुर के लिए, या फिर हो सकता है कि घुमावे तक के लिए, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशंस रहती हैं। तो पहुँचता हूँ मैं घाघस में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, धूप पड़ी हुई है आज, और मौसम वही गर्म वाला फिर से स्टार्ट हो गया है, बारिश पड़ रही है तो ठंडा हो जा रहा है, और अगर धूप आ जाए तो फिर से वही गर्मी का मौसम। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको घाघस ब्रिज। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस, और यहाँ पे ही खड़ा हुआ, प्रिंस भाई आ रहे हैं अभी नीचे से, और उनके साथ जाऊँगा बाइक पे। दोस्तों रूम पे मैं पहुँच चुका हूँ, और बहुत धूप है बाहर, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर सो के उठेंगे, फिर करता हूँ मैं बात, तो एक आधा घंटा मैं सो। रात हो चुकी है दोस्तों, तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ अभी थोड़ी देर, कल एग्ज़ाम है तो उसकी अभी थोड़ी स्टडी चली हुई थी। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ पतरोड़ू, कोई पतोड़ू बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में हिमाचल में, आपके साइड क्या बोलते हैं कॉमेंट ज़रूर करें। तो फिलहाल मैं अभी प्याज वगैरह वो कर लेता हूँ, काट लेता हूँ, फिर हम उसके बाद तुड़का देंगे। कई फ्राई करके बनाते हैं, कोई तुड़का दे के बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं प्याज वगैरह काटता हूँ, फिर उसके बाद आपको
दिखाता हूँ अपने पतरोड़ों को, फिर तुड़का लगाएंगे, फिर मजे से खाएंगे। मेरे को एक चीज़ मिसिंग हो गई यार, मेरे को दही या छाछ होती है, पर छाछ तो नहीं मिल पाएगी मेरे को, बट मेरे को दही लाने की याद नहीं रही। और बाहर अभी इस वक्त हो चुका है अंधेरा। तो सबसे पहले हम अभी जो प्याज हमारा ना, इसको करेंगे हम चॉप। फिर चॉप करने के बाद हम तुड़का वगैरह लगा सकते हैं आराम से। जी प्याज हमारा चॉप हो चुका है एकदम बिल्कुल बारीक। अब हम लहसुन काटते हैं, और साथ में मेरे पास है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालेंगे। तो सबसे पहले मैं काटता हूँ लहसुन। अभी मैं अपने पतरोड़ों को ले आया हूँ, आप बोलोगे कि मैंने इसमें पैकिंग किया है। एक्चुअली यार मैं टिफिन मेरे सारे रूम पे हैं और मैं घर पे नहीं लेके गया था, मैं भूल गया था, तो मेरे को इसी में लाने पड़े। तो अभी काटते हैं इनको और बताता हूँ फिर मैं आपको कि कैसे बनेंगे हमारे ये पतरोड़ू। मैंने काट के इनको कर लिया है, तो आपकी चॉइस है कि आपने इनको कैसे खाना है। अगर आप पहले ऐसे ऐसे पीस कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल इनको तलना है तो आप तल के भी कर सकते हो, थोड़े वो हो जाएंगे ये, थोड़े क्या बोलते हैं यार इसको, थोड़े कठोर कठोर हो जाएंगे, वो गराड़े गराड़े हो जाएंगे, तो उसमें आप खा सकते हो। सिंपल आपको तेल में जीरा डालना है और उसके ऊपर इनको ऐसे रख देना है और थोड़ी देर भूनना है, जब तक इनका कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन या ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता। एक ये तरीका है, बट मैं खाऊंगा कुछ और तरीके से। मैं लगाने वाला हूँ सिंपल तुड़का, तो उसके लिए मेरे को और छोटे पीस करने पड़ेंगे इसके, कुछ इस प्रकार से सब्जी की तरह मेरे को इसको काटना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से मेरे ये जो पतरोड़े हैं कट के तैयार हैं। अब मैं इनको सिंपल तुड़का लगाऊंगा। मैं यार इसको दूसरी तरह उसमें भी खा सकता था, बट मेरे पास दही नहीं है ना, बिना दही के वैसे मज़ा नहीं आता। या चटनी को कुछ कुछ लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, बट हम देसी पहाड़ी बंदे हैं, हमने खाना है इनको दही के साथ। पर दही ना होने के कारण तो मेरे को इस वाले पीसेज में इनको काटना पड़ा, और साथ में मैं घर से मक्खन लेके आया था और मक्खन के साथ खाऊंगा। थोड़ी सी कमी पड़ गई छाछ की, छाछ चलो कोई बात नहीं, छाछ के खा लेंगे। और तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में और तुड़का वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पतरोड़ू बन रहे हैं, तो जस्ट होने देते हैं इनको, थोड़े मन कर रहा है थोड़ा कराड़े कराड़े बनाने का, तो फिर बताता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हैं, और यहाँ पे रहा मेरा चपाती, बस एक चीज़ की कमी है, ये रहा मेरा थोड़ा सा मक्खन और चपाती। तो खाते हैं अपने पतरोड़े। आपके अलग अलग जिलों में इसको क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर करें, और आपके घर में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय दोस्तों।